आज एक विश्वासी को यह नहीं पता कि मसीह में मेरी जिंदगी पहले क्या थी और अब क्या है। उसे लगता है कि मसीह में आने से पहले मुझे जनरेशनल श्राप थे, हमारी फैमिली में अब गरीबी का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। कोई कहता है हमारी फैमिली में ये बीमारी का श्राप है, कोई कहता है हमारी फैमिली में डाइवोर्स का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। अब जैसे ही वो मसीह में आया, अभी भी वो डाइवोर्स के साथ लड़ रहा है, अभी भी वो पैसे की तंगी के साथ जूझ रहा है। उसे ये मालूम नहीं होता कि फर्क क्या है कि मसीह में आने से पहले भी मेरी जिंदगी वैसी थी, बाद में मेरी जिंदगी वैसी है, तो फर्क क्या है। वो गवाहियां देख रहा है, वो गवाहियां सुन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ कुछ काम हो भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहता है, वो बड़ी बरकत चाहता है, वो बड़ा एक परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, हां या ना। अब मैं बताता हूं वो देखना कैसे है। आपने बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको परमेश्वर की दी गई जीवन का फायदा उठाने के लिए मन से क्या करना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्या है, मुक्तिदाता, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा सिर सिर्फ उसके सामने झुकेगा, मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं पाप छोड़ूंगा, तो पहली लाइन पूरी हो गई। पर उसने कहा उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, शारीरिक छुटकारे के लिए, फाइनेंशियल छुटकारे के लिए तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। वहां इस दूसरी लाइन को बहुत सारे मसीह लोग पूरा नहीं कर पाते। वो विश्वास तो करते हैं, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन उन्हें अब यह नहीं मालूम कि उद्धार के लिए यानी शारीरिक छुटकारे के लिए, दुनियावी छुटकारे के लिए, दुनियावी कर्ज से, शरापों से आजाद होने के लिए मुझे अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार का यूनानी मतलब, यानी असली भाषा में जब बाइबल लिखी गई थी, अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो। होमोलोगियो का मतलब थैंक्स करना परमेश्वर का, किस बात के लिए, जो बातें पहले से ही हो चुकी हैं। अब अगर एक क्रिश्चियन इन वचनों को मानता हो और उसे मालूम हो कि बाइबल कहती है कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, मैं ऐसे समझाता हूं, मैं वो मैरिज की मृत्यु, बार बार डाइवोर्स का होना, उससे प्रवेश, उससे पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। अब सुबह जब मैं उठूंगा, मैं वो नहीं देखूंगा जो मेरी जिंदगी में घट रहा है या जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक तू अंगीकार नहीं करेगा जो पहले से हो चुका। परमेश्वर कहता है, अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो, जिसका मतलब है कि जो कुछ प्रभु पहले से कर चुका है उसके विषय में थैंक्स करना। अब जब मैं सुबह उठूंगा, मैं कहूंगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और ये जीवन मेरी शादी में काम कर रहा है, ये जीवन मेरी मैरिटल लाइफ में काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर मैं सुबह उठूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा, परमेश्वर मेरा चौथा भी डिवोर्स हो गया, कुछ नहीं होगा, वो पांचवा भी होगा, छठा भी होगा। क्यों? क्योंकि उद्धार किससे निकलेगा? मुंह से। वो तो आपने करप्ट कर लिया। आप ऊपर देख रहे हैं उद्धार उतरेगा, उद्धार उतरेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं उद्धार दे चुका हूं, क्रूस पे चेक कर, मैं कह चुका हूं सब कुछ पूरा। क्रूस पर आखिरी शब्द प्रभु के क्या थे? सब कुछ। और बाइबल कहती सब कुछ पूरा मतलब तेरे उद्धार का काम क्या कर दिया प्रभु ने? पूरा कर दिया। और वो मारा गया और जी उठा, और अब तो वो इंजॉय कर रहा है, अपने बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। कलीसिया के लिए उसने कुछ नहीं करना। कलीसिया को यह देखना होगा कि मुझे शारीरिक उद्धार की, अगर मान लो हीलिंग की जरूरत है, मैं पहले वचन समझूंगा कि परमेश्वर कहता मैंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब जब मैं सुबह उठूंगा, मैं ये जानता हूं कि मेरे मुंह में क्या है, अब जीवन है। पहले मैं मृत्यु में था, लेकिन अब मैं जीवन में हूं,
मेरे मुंह में ताकत है, मेरे अंगीकार में ताकत है, मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे चंगा किया और मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तेरा ये जीवन मेरी हड्डियों में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे पेट में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे सिर में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे लीवर में, मेरी किडनियों में, मेरे हार्ट में, मेरे लंग्स में, मेरे ब्रेन में, मेरी आंखों में। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप जैसे ही वचन को समझेंगे आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वचन को फॉलो नहीं करेंगे। लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, वो हजारों लाखों सालों से मंडरा रहा था। आप जानते जब जब डायनासोर के जीवाश्म निकलते हैं, उसके हड्डियां निकलती हैं, तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट कि ये 5 करोड़ साल पुराना है, हैं? ये 45 लाख साल पुराना है, लेकिन आदम तो कुछ हजार साल पुराना है, उससे पहले क्या था? उससे पहले धरती पर डायनासोर थे, परमेश्वर ने धरती को बनाया हुआ था। जब शैतान परमेश्वर के खिलाफ हुआ, परमेश्वर ने शैतान को पकड़ा और धरती पर फेंका था और धरती बेडोल और सुनसान हो गई थी। और साइंस इस बात को बोलती है कि कोई आकाश से चीज गिरी थी और सारे सारे डायनासोर मर गए थे और ऐसी चीज धरती पर दोबारा कभी नहीं गिरी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, कितने साल वो मंडराता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कहा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला। फिर यानी पवित्र आत्मा तो है लाइफ में पर कभी वचन तो बोले ही नहीं, बोलते तो नेगेटिव वचन है सारे, हाय मैं मर ना जाऊं। नहीं नहीं, ये बीमारी जिसको हो जाती है ना वो तो मर जाता है, इसका तो इलाज ही नहीं है। वो कितने काम चलना यार, कोरोना होया कितने चलना? आप इस दुनिया के नहीं हो, आप बबल में जी रहे हो, आपका बबल जीसस क्राइस्ट आपका बबल है। दुनिया मर जाए लुट जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप रियलाइज कर, अगर आपको फायदा उठाना आए तो। सरकार बहुत सी कई बार स्कीमें निकालती है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए बाइबल में लेकिन पता ही नहीं करना क्या है। वो कहता तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में, यानी अगर फाइनेंशियल मृत्यु हो चुकी थी और अब मैं जीसस क्राइस्ट में आया और अब मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टाइथ बोऊंगा क्योंकि उसके बिना मेरी बरकत नहीं आएगी, मैं पवित्रता में रहूंगा और मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं जीवन में प्रवेश, और यही जीवन मेरे फाइनेंस में काम कर रहे हैं, यही जीवन मेरे पैसों में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, मृत्यु मुझे छोड़ के जा चुकी है। आप देखेंगे बरकत को, वो किस तरह से आपके घरों में आना शुरू होती, क्योंकि परमेश्वर कहता तेरे मुंह में मैंने क्या दिए? अधिकार दिए। आपको दुष्ट आत्मा है, आप मृत्यु में थे जिस